अपॉर्चुनिटी है अभी, जैसे कि हमने देखा है उनको, जैसे वो अपने स्टेट को खेलते हैं, अपने फ्रेंचाइज को खेलते हैं, उनमें इतना अच्छा पोटेंशियल है, और वो अपने अपने फ्रेंचाइज को, स्टेट को जब खेले तो इम्पैक्ट किया है उन्होंने गेम में, तो वही देख के आए हैं वो यहाँ पर, और होपफुली वो खेलेंगे अगर कल और गोइंग फॉरवर्ड ये मैचेस में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही करेंगे जैसा वो करते आ रहे, क्योंकि यहाँ के कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। अब देखिए एक्स फैक्टर तो है उसमें, जैसे कि मैंने कहा, और सब प्लेयर्स में ऐसे नहीं कि उसमें ही है, तो वही है जो छोटी छोटी कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ते रहती है, तो वो देख के अच्छा लगता है। और नेट पे तो हालांकि मैं उसको खेला नहीं, क्योंकि नेट प्लान में थोड़ा हमारा ऊपर नीचे था, कोई और किसी और ने खेला, बट देखा है उसको क्या किया है उसने, क्या पोटेंशियल है उसमें, वो क्या डिफरेंस कर सकता है टीम के लिए, तो अच्छा है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए बिल्कुल, हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, और यहाँ पे आ गया मैं, अगर आप 10 मिनट लेट बुलाते तो शायद मैं बता देता आपको कि वो खेल रहे कि नहीं, बट लेकिन डेफिनेटली उनको एक एक्स फैक्टर दिखा जब उन्होंने खेला फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो एक्स्ट्रा पेस है उनमें, वो जैसे कि अभी कहा एक्स फैक्टर है, तो अच्छे अच्छे से मैनेज करना जरूरी है उसको, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स, अभी जितना क्रिकेट चल रहा है, अब सब लोग अपने अपने स्टेट को भी क्रिकेट खेलते जाके, दुलीप ट्रॉफी भी हो रही है, सब हर जगह खेल रहे जाके, तो सबका ध्यान देना बहुत जरूरी है, अभी दे भी रही है बीसीसीआई ऑब्वियसली ध्यान, तो उस हिसाब से और उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा एडिशन है वो इंडियन टीम में, और अच्छा करेगा, मैं वही सोच रहा हूँ। अभी तो सर कल खेलेंगे तो इन्हें पता चलना चाहिए बट लेकिन देख के तो अच्छी लग रही है, और प्रैक्टिस पिचेस जो सेंटर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइड भी दिया है हमको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा, 2 ही विकेट दूर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख के तो अच्छी लग रही है, बाकी कल देखते हैं जो लिखा हो। दूसरे सर संजू सैमसन, वो खेलेंगे और वो ओपन करेंगे ये सीरीज में गोइंग फॉरवर्ड, और विकेट तो हमको इतना लो एंड स्लो लगा नहीं देख के, क्योंकि हमने दोनों दिन प्रैक्टिस किया, हालांकि तीनों दिन की लोगों ने प्रैक्टिस, बट इतना डिफरेंस लगा नहीं, एक T20 गेम के हिसाब से तो अच्छी विकेट्स हैं यहाँ पे, कंपिटेटिव होगी यस आई फील, बट एट द सेम टाइम देखिए सर कोई भी ग्राउंड पे खेलना एक चैलेंज ही होता है, नया ग्राउंड है, बट 2-3 दिन हम प्रैक्टिस किए यहाँ पे, तो पता चल गया क्या कंडीशन है, पिच कैसी है, और आउटफील्ड कैसी है, विंड फैक्टर क्या है, ड्यू आता है नहीं आता, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है आप जब एक नए वेन्यू पे जाते हो। और बाकी हम लोग जो करते हुए आ रहे हैं, जो लास्ट T20 सीरीज भी हम लोग खेले, वो ऐसे ही सेम खेलना चाहेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट सब लोग अगर अपना अपना काम करेंगे तो रिजल्ट तो जैसा चाहिए, ऐसी नौबत ना आए तो अच्छा कि बॉलिंग डालनी पड़े, बट या वी एंजॉयड इट, वी वर टू अप इन द सीरीज, बट एट द सेम टाइम वी थॉट लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, फास्ट बॉलर्स वी हैड फ्यू ओवर्स लेफ्ट ऑफ द फास्ट बॉलर्स, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एट दैट मोमेंट, because the wicket was turning and just took a chance and it worked really well. Dikhte hai sir. We'll take that call in few minutes time, but yeah, there's a good competition in the side amongst the spinners. It's a good headache to have. मतलब देखिए सर अच्छा रहता है कि अगर कोई भी बैट्समैन अगर एक एक ओवर या दो दो ओवर डाल के दे सकता है ये फॉर्मेट में, वो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम में या इस स्क्वाड में बहुत रेयर कोई है जो बॉलिंग नहीं डालता है, तो एक अच्छी बात है, बॉलिंग ऑप्शंस रहेंगे ग्राउंड पे, अगर कभी लगा किसी को डलवाना है, जैसे आपने देखा श्रीलंका में लगा रियान को 4 ओवर डलवाने डाल दिए, ऐसे ही अगर कोई प्रेशर सिचुएशन में अगर बोलता है कि मैं डाल के दे सकता हूँ, और अगर उसमें स्किल है तो फिर क्यों नहीं, यही तो है प्लान। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस न्यू रोल, मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पहले भी जब रोहित भाई के अंडर IPL में भी खेलता था MI के लिए, तभी भी मैं बहुत इनपुट देते रहता था अपना जो मुझे ऐसा लगता था, और अभी यहाँ पे भी आने के बाद अच्छा लग रहा है, मैंने लास्ट श्रीलंका में भी किया, उसके पहले जो ऑस्ट्रेलिया की 5 T20 थी, और साउथ अफ्रीका भी हम गए थे T20 के, वहाँ भी किया, तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद सीखा हूँ दूसरे प्लेयर से, दूसरे कैप्टन से बहुत कुछ, कि कैसे एक टीम को आगे लेके जाना होता है, और अच्छा रोल है, एंजॉय कर रहा हूँ, और देखते हैं आगे बाकी तो चलते रहते हैं बाकी आपको पता चलना चाहिए